फ्रेंड्स, माई सेल्फ दीपक एंड वेलकम टू माई चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग बोल रहे थे कि सर आप जेनेटिक्स से रिलेटेड कोई ट्रिक्स बताइए जिससे हम कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो नीट हो चाहे वो CSIR हो, उसमें हम जो जेनेटिक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो उसे हम विद इन सेकेंड सॉल्व कर सके। तो मैंने सोचा चलिए ठीक है, बच्चे बोल रहे हैं तो चलो अब ट्रिक्स बना लेते हैं। तो दोस्तों, जो मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा ये पार्ट वाइज बताऊंगा। तो आज मैं पार्ट वन में आपको प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड ट्रिक्स बताऊंगा और कैसे इस ट्रिक को यूज कर सके आप जो है जेनेटिक्स प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मेरे द्वारा बनाए गए सभी वीडियोस आपको मिलते रहे। और साथ ही साथ जो ट्रिक्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में बताऊंगा। तो पार्ट वन में आप प्रोबेबिलिटी की ट्रिक्स जानेंगे, देन पार्ट टू में आपको गैमेट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हो जाएंगे उसकी ट्रिक्स जानेंगे। तो ऐसे करके मैं डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में ट्रिक्स बनाऊंगा ताकि आप अच्छे से समझ सकें और आप जो अपने पूरे मार्क्स हैं वो जो नीट का एग्जाम हो या CSIR का एग्जाम हो उसमें आप पूरा सिक्योर कर सकें। ठीक है, तो अपनी ट्रिक स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है, क्योंकि हमारे जो ये प्रॉब्लम्स है प्रोबेबिलिटी के बेस पे है। ठीक है, तो इसके लिए आपको प्रोबेबिलिटी पता होनी चाहिए कि क्या होता है। ठीक है, तभी आप जाके जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी तो इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ टाइम्स एंड इवेंट्स अकर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। ओके, तो प्रोबेबिलिटी क्या है? इट्स अ नंबर ऑफ टाइम एंड इवेंट्स अकर अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। तो अब अगर हम इसका एक एग्जांपल ले, तो जैसे ही टॉस आपने मतलब कॉइन्स देखा होगा, कॉइन सबके पास होगा। हाँ भाई, सबके पास ही होगा कॉइन, ऐसा कोई नहीं जिसका कॉइन्स ना हो। तो जब भी आप कॉइन को टॉस करते हैं तो क्या होता है, उसमें या तो हेड आता है या टेल आता है। ठीक है, अब उसमें जो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स क्या हैं वो दो हैं, वन इज हेड एंड द अदर इज टेल। ठीक है, अब चांसेस क्या हैं कि उसमें जब भी आप फ्लिप करेंगे या टॉस करेंगे कॉइन को, तो उसमें चांसेस क्या हैं कि हेड कितने बार आएगा और टेल कितनी बार आएगा। ठीक है, तो इसे हम समझते हैं एज एन एग्जाम्पल। तो अगर हम हेड की प्रोबेबिलिटी देखते हैं तो इट विल बी इक्वल टू वन, यानी कि हेड एक बार हेड का आने का चांस है, और टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स क्या है, वन हेड प्लस वन टेल। ओके, तो टोटल वन बाई टू, और वी कैन से 50%, यानी जो हेड आने की प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, वन बाई टू, या हम कह सकते हैं 50%। ठीक है, अब वहीं अगर हम बात करें टेल की, तो टेल में क्या है, वन टेल वन हेड प्लस वन टेल इक्वल टू वन बाई टू इक्वल टू 50%। तो जो टेल के आने की प्रोबेबिलिटी है वो भी क्या है, वन बाई टू 50%, यानी जब आप टॉस मतलब कि जो कॉइन्स है उसे फ्लिप करेंगे तो क्या होगा, उसमें 50% चांसेस है कि वो हेड भी आ सकता है और 50% चांसेस है वो टेल भी आ सकता है। और जो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स है वो क्या है, दो है, या तो हेड या टेल है, तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स क्या है, दो है। तो ये क्या है, ये एक बेसिक प्रिंसिपल है प्रोबेबिलिटी का कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है और कैसे ये कैलकुलेट कर की जाती है। तो हमारी जो प्रॉब्लम्स है जेनेटिक्स की, जो आज मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ, वो डिपेंडेंट है इस प्रोबेबिलिटी पे। ठीक है, तो चलिए अब वो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम पहली प्रॉब्लम लेते हैं। तो पहली प्रॉब्लम क्या है, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल पी स्मॉल पी क्रॉस विद स्मॉल आर स्मॉल वाई कैपिटल पी स्मॉल पी। ओके, देन कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल पी स्मॉल पी।
दूसरा पेरेंट ये है, ठीक है। जब आप इन दोनों पेरेंट क्रॉस करेंगे तो जो ऑफ स्प्रिंग आएगी उसमें जो ये जीनोटाइप है, ठीक है, जो ये जीनोटाइप है वो कितने ऑफ स्प्रिंग प्रेजेंट होगा, ठीक है, यानी कि इतने प्लांट जो प्रोड्यूस होंगे उसमें से कौन से ऐसे प्लांट या कितने ऐसे प्लांट हैं जिसका जीनोटाइप ये होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल पी, ठीक है। तो इसे हम कैलकुलेट करेंगे। तो इसे हम कैलकुलेट करने के पहले आपको बता दूं मेंडल का लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, तो जिसके अकॉर्डिंग क्या होता है, असॉर्टमेंट ऑफ जीन्स ऑफ वन पेयर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस, ठीक है, यानी कि जो एक जीन पेयर है वो इज इंडिपेंडेंट टू द अदर जीन पेयर, ओके। सो इसमें सबसे पहले इसे कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा कि हमारे पास कितने जीन पेयर का क्रॉस है या पेरेंट है, ठीक है। तो इसमें कितने जीन पेयर है, 1, 2, 3, तो टोटल कितने हैं, 3 जीन पेयर्स हैं। तो इसमें एक आपको फॉर्मूला याद रखना है, तो जीन पेयर इज इक्वल टू क्रॉसेस या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉसेस। अगर 3 जीन पेयर्स हैं तो क्रॉसेस भी कितने करने पड़ेंगे, 3। तो हम लोग को अगर 3 जीन्स पेयर प्रेजेंट हैं किसी भी पेरेंट में, हम लोग को तो 3 डिफरेंट क्रॉसेस करने पड़ेंगे ऑफ दैट जीन पेयर्स, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इस जीन पेयर को क्रॉस करते हैं इससे, ठीक है, तो कैपिटल आर स्मॉल आर इंटू स्मॉल आर स्मॉल आर, ठीक है। एक तो ये केस हो गया, ये जीन पेयर हो गया, दूसरा जीन पेयर क्या हो गया, ये यानी कैपिटल वाई कैपिटल वाई देन स्मॉल वाई इसे क्रॉस करेंगे, तो एक ये जीन पेयर हो गया इनका क्रॉस। नेक्स्ट थर्ड वन कैपिटल पी स्मॉल पी क्रॉस विद कैपिटल पी स्मॉल पी, तो एक ये क्रॉस हो गया, ठीक है। तो टोटल कितने जीन पेयर्स हैं, 3, तो हम कितने क्रॉस करेंगे, 3 क्रॉस करेंगे। तो चलिए अब देखते हैं, तो ये हेटरोजाइगस कंडीशन है कैपिटल आर स्मॉल आर, तो इसमें कितने गैमेट्स बनेंगे, 2 गैमेट्स, तो कैपिटल आर एंड देन स्मॉल आर। अब ये जो कंडीशन ये क्या है, होमोजाइगस है, तो इससे कितने गैमेट आएंगे, 1 गैमेट, क्योंकि ये होमोजाइगस है। इतना तो आप लोगों को पता है ना कि हेटरोजाइगस कंडीशन है, तो 2 डिफरेंट गैमेट्स विल कम, इफ द कंडीशन होमोजाइगस देन ओनली 1 गैमेट विल फॉर्म, ओके। सो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका क्रॉस कराएंगे इससे, ठीक है, तो कैपिटल आर क्या बना, कैपिटल आर स्मॉल आर देन स्मॉल आर स्मॉल आर, अंडरस्टूड ना। नाउ इन द सेकेंड जीन पेयर इट इज होमोजाइगस, तो ओनली 1 गैमेट विल कम, इट इज आल्सो होमोजाइगस, तो ओनली 1 गैमेट विल कम, तो व्हेन विल क्रॉस देन व्हाट वी विल गेट, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ओके। नाउ इन केस ऑफ दिस थर्ड जीन पेयर, तो हियर इफ द कंडीशन इज हेटरोजाइगस, तो 2 गैमेट्स विल कम, कैपिटल पी स्मॉल पी, इन दिस केस आल्सो 2 गैमेट्स कम, कैपिटल पी स्मॉल पी, अब हम इसका क्रॉस कराएंगे, सो कैपिटल पी स्मॉल पी, कैपिटल पी स्मॉल पी, स्मॉल पी स्मॉल पी, तो हमें ये सारे जीनोटाइप मिल गए, ठीक है। अब देखिए, सो सबसे पहले जीन पेयर में क्या होगा, जो कैपिटल आर स्मॉल आर है, स्मॉल आर स्मॉल आर, तो इसमें कितने प्लांट्स हैं, सिर्फ 2 प्लांट्स विच इज हैविंग दिस जीनोटाइप, ओके। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, टोटल 2 है, इसका चांसेस क्या है, एक बार बनने का इसका 1, ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/2, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2, अंडरस्टूड ना। नाउ सेकंड जीन पेयर में क्या होगा, इसमें सिर्फ एक ही प्लांट होगा जिसके अंदर कैपिटल वाई स्मॉल वाई होगा, ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/1, अंडरस्टूड ना। नाउ इन दिस केस कितने प्लांट्स हैं, 1, 2, 3, 4, तो टोटल कैपिटल पी क्या होगा, 1/4, हियर 1/4, इन केस ऑफ दिस 1/4, और स्मॉल पी 1/4, ओके। अब इनका जीनोटाइप सेम है, यानी कि इनका जो एलील से वो क्या सेम है, कैपिटल पी स्मॉल पी, तो इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 2/4, ओके, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, क्योंकि ये जो जीनोटाइप है ये 2 बार अपीयर है, ठीक है, इसीलिए।
तो अब आता है कि जो ऑफ स्प्रिंग है उसमें जो ऑफ स्प्रिंग है उसमें कौन से ऐसे प्लांट जिसका जीनोटाइप ये है। ठीक है, तो इससे पहले लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल पी स्मॉल पी। अब आपको यहाँ पे क्या लगाना है, प्रोडक्ट रूल लाना है, लगाना है। आपने सबकी प्रोबेबिलिटी निकाल ली, ठीक है, सबकी प्रोबेबिलिटी निकाल ली है। अब आपको हर एक की प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर देना है, दैट्स इट, दैट इज द ट्रिक। ओके, तो क्या होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, तो दिस केस द प्रोबेबिलिटी इज 1/2, तो 1/2 इनटू कैपिटल वाई स्मॉल वाई, प्रोबेबिलिटी क्या है 1/1। नेक्स्ट स्मॉल पी स्मॉल पी, तो यहां से आप देख सकते हैं प्रोबेबिलिटी क्या है 1/4। अब आपको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देना है, तो इट विल बी 1/8 आंसर। ओके, तो प्रोबेबिलिटी क्या आई 1/8, यानी कि अगर 8 प्लांट हैं उस ऑफ स्प्रिंग में, अगर 8 प्लांट है तो 8 प्लांट में जो एक प्लांट होगा उसका जीनोटाइप होगा कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल पी स्मॉल पी। समझ गए? अब आपको ये ट्रिक यूज करके आप कितने भी जीनोटाइप हैं या किसी भी जीनोटाइप का प्रोबेबिलिटी आप बता सकते हैं कि आने वाली जनरेशन में कितने प्लांट्स ऐसे होंगे जिसका जीनोटाइप ये होगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको ना ही कोई स्क्वायर करने पड़ेंगे, ना ही आपको कोई टेस्ट मतलब कि क्रॉसेस करने पड़ेंगे, ना ही पुन्नेट स्क्वायर करना पड़ेगा। आप सिंपली ये ट्रिक यूज करके आप किसी भी जो ऑफ स्प्रिंग है उसका जीनोटाइप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये तो 3 जीन पेयर का हमने एग्जांपल देखा, अब हम देख लेते हैं 4 जीन पेयर्स का। अगर उसमें 4 जीन पेयर्स प्रेजेंट है तो उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया ना? ओके, तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अब हम लोग 4 जीन पेयर्स का एग्जांपल लेंगे। ठीक है, सो कैपिटल ए स्मॉल पी कैपिटल सी कैपिटल डी स्मॉल डी, क्रॉस कराएंगे कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी स्मॉल डी स्मॉल पी, और भी जीरो टाइप इसका पता करना है, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी स्मॉल डी। ओके, सो कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी। ओके, तो यहां पे देखिए, अब हम लोग ने क्या पिछले बार क्या किया था, 3 जीन पेयर्स का एग्जांपल लिया था। ठीक है, इस बार हम लोगों ने क्या किया है, 4 जीन पेयर का एग्जांपल लिया है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या था, जीन पेयर इक्वल टू क्रॉसेस या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉसेस। तो यहाँ पे कितने जीन पेयर प्रेजेंट है, 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो 4 जीन पेयर इक्वल टू 4 क्रॉसेस। ओके, तो अब इसमें क्या है, 4 जीन पेयर प्रेजेंट है, तो हम लोग कितने करेंगे, 4 क्रॉसेस करेंगे, क्योंकि 4 जीन पेयर प्रेजेंट है तो 4 क्रॉसेस करेंगे। अब हमें देखना है, कैलकुलेट करना है कि जो ऑफ स्प्रिंग आएगी कितने जो प्लांट्स होंगे उनका जीनोटाइप ये है, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी। फिर हम लोग वही करेंगे, क्या करेंगे, फिर से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो पहला जीन पेयर क्रॉस करेंगे, तो पहला क्या है, कैपिटल ए स्मॉल ए क्रॉस विद कैपिटल ए स्मॉल ए। ठीक है, दूसरा लेंगे स्मॉल बी क्रॉस कराएंगे कैपिटल बी स्मॉल बी। फिर तीसरा लेंगे, तीसरा क्या है, तो पहला हो गया तीसरा कैपिटल सी स्मॉल सी इंटू कैपिटल सी स्मॉल सी, 3 हो गया। आप जो चौथा जीन पेयर लेंगे, चौथा जीन पेयर क्या हो गया, कैपिटल डी स्मॉल डी इंटू स्मॉल डी स्मॉल डी। ठीक है, तो ये फोर्थ जीन पेयर, ये हो गया थर्ड जीन पेयर,
देन ये सेकेंड जीन पेयर, और ये फर्स्ट जीन पेयर। ओके तो हम लोगों ने क्या किया, फोर डिफरेंट जीन पेयर्स को लिख लिया। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट लगाएंगे, लगाया है, ठीक है। अब हम लोग इसे भी प्रोडक्ट रूल से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या देख लेते हैं कि कौन कौन सा गैमिट जो है वो बन रहा है। तो देखिए ये कंडीशन क्या है, हेटेरोजाइगस हो गई, तो इससे दो गैमिट आएंगे, कैपिटल ए और दूसरा स्मॉल ए। ये भी हेटेरोजाइगस कंडीशन है, इससे भी कैपिटल ए और स्मॉल ए, ठीक है। अब हम लोग क्रॉस करा देंगे, कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, स्मॉल ए स्मॉल ए, ठीक है। तो हमें ये जीनोटाइप मिला, ठीक है। अब नेक्स्ट ये होमोजाइगस कंडीशन है, तो ओनली बी, ये हेटरोजाइगस है तो कैपिटल बी, और दूसरा गैमेट क्या बनेगा, स्मॉल बी। क्रॉस करा देंगे, कैपिटल बी स्मॉल बी एंड स्मॉल बी। ओके अंडरस्टूड, समझ में आ रहा है ना। हाँ अगर आप लोग ये ट्रिक सीख गए ना तो बहुत इजीली आप सॉल्व कर लेंगे कोई भी इक्वेशन को, कोई भी प्रॉब्लम को, ठीक है। इसमें क्या है, हेटरोजाइगस कंडीशन है, कैपिटल सी स्मॉल सी, इसमें भी हेटरोजाइगस है, कैपिटल सी स्मॉल सी, तो कैपिटल सी कैपिटल सी कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल सी स्मॉल सी स्मॉल सी स्मॉल सी, ठीक है। नेक्स्ट जो फोर जीन पेयर्स में भी, इसमें भी हेटरोजाइगस कंडीशन है, कैपिटल डी ओके देन स्मॉल डी, टू गैमेट्स आए, इससे एक ही गैमेट आएगा क्योंकि ये होमोजाइगस कंडीशन है, तो स्मॉल डी, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि कितने प्लांट्स बनेंगे, ठीक है। अब इन केस में कितने हैं, अगर इन दोनों को हम लोग क्रॉस कराते हैं, इन दो जीन पेयर्स को, तो हमें चार प्लांट्स मिलते हैं, 1 2 3 4। अब सबकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/4, इसकी भी 1/4, ठीक है, इसकी भी 1/4, इसकी भी 1/4, इसकी भी 1/4, इसकी भी 1/4, ठीक है। टोटल प्लांट 4 बन रहे हैं, तो इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2/4 भी लिख सकते हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2/4 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब सेकेंड जीन पेयर के केस में क्या होगा, इसमें कितने प्लांट बनेंगे, 2 प्लांट, ए 1 2, तो टोटल लिया 1/2, इसका क्या होगा, 1/2, ठीक है। नेक्स्ट ना, नेक्स्ट इस केस में क्या होगा, कितने प्लांट बनेंगे, 1 2 3 4, तो ऑफ इसमें 4 प्लांट्स आएंगे, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 1/4 1/4 1/4, इसे कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 2/4 भी, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ जीन पेयर्स में क्या है, इसे अगर क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल डी स्मॉल डी, ठीक है, फिर स्मॉल डी, ठीक है, अंडरस्टूड ना। सो इसकी इसमें कितने प्लांट हैं, 2 प्लांट, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 1/2, अंडरस्टूड। अब आपने प्रोबेबिलिटी सबको निकाल दी, बस प्रोबेबिलिटी निकल गई, तो आप किसी भी जीनोटाइप को बता सकते हैं कि प्लांट्स जो हैं अगली जनरेशन में उनका जीनोटाइप जो है वो कितने बार अपीयर होगा प्लांट में, बहुत इजी। अब क्या क्वेश्चन था, तो क्वेश्चन था कि स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी, ठीक है, इनमें जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, ठीक है। तो कैलकुलेट कर लेते हैं, इसमें क्या है, बहुत इजीली कैलकुलेट हो जाएगा, आप तो उन्होंने प्रोबेबिलिटी निकाली ली है। तो सबसे पहले स्मॉल ए स्मॉल ए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/4, तो लिख लीजिए 1/4, देन मल्टीप्लाई बाई स्मॉल बी इसकी कितनी है, 1/2, ये भी लिख लीजिए 1/2, देन स्मॉल सी इसकी कितनी है, इसकी भी 1/4 है, लिख लीजिए 1/4, मल्टीप्लाई बाई अब स्मॉल डी इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2 1/2, तो टोटल कैलकुलेट कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, टोटल 1/64 उनमें से एक प्लांट ऐसा होगा जिसका जीनोटाइप क्या होगा, स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी स्मॉल डी, ठीक है। तो
आउट ऑफ 64 ऑफ स्प्रिंग या 64 प्लांट ओनली वन प्लांट विल बी हैविंग दिस जीनोटाइप। ओके, तो इसके देखिए कितने आसानी से आपने कैलकुलेट कर लिया और आप इसे बहुत ही जल्दी कैलकुलेट कर सकते हैं, विद इन सेकेंड आप इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस मेथड। ठीक है, तो अगर आपने इस ट्रिक को अच्छे से समझ लिया तो आपको जेंटिस का जो भी प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड जो भी सम्स है जिसमें आपको जीनोटाइप पूछा जा सकता है कि ऑफ स्ट्रिंग में बताइए जीनोटाइप कितने टाइम्स अपीयर होगा, तो उसे आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये जो वीडियो है ये अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो हम अगले वीडियो में मिलेंगे अपनी दूसरी ट्रिक जेनेटिक्स की ट्रिक्स के साथ। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जेनेटिक की दूसरी ट्रिक सीखेंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।